आज हम देखेंगे यान वैल्यू यान वेक्टर्स के रिगार्डिंग कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज यान मैट्रिक्स। ध्यान से देखिए, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए ए माइनस लैम्डा आई को हम यान मैट्रिक्स कहेंगे। इसे जब आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हो ए माइनस डेल्टा इक्वल्स टू ज़ीरो, तो इसे हम यान इक्वेशंस कहते हैं। यहाँ पर I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यान मैट्रिक्स को सॉल्व करने से जो रूट्स मिलेंगे, जो सॉल्यूशंस मिलते हैं, वही हमारे यान रूट्स कहलाते, या इसे हम यान वैल्यूज कहते। सो व्हाट आर यान वैल्यूज? यान वैल्यूज आर द सॉल्यूशन ऑफ द यान मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू ज़ीरो। अब सबसे पहला सवाल, व्हाट इज मीन्ड बाई यान वैल्यूज? ये इसका एक डेफिनेशन है, सभी को कंठस्थ रहना चाहिए। इफ़ ए इज एन एन बाई एन मैट्रिक्स एंड लैम्डा इज एनी स्केलर क्वांटिटी, देन एक्स वैक्टर एक्स विच इज अ नॉन जीरो वैक्टर इज कॉल्ड एज यान वैक्टर इफ इट सेटिस्फाइज द एक्सप्रेशन ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स। हेयर एक्स इज एन यान वैक्टर ऑफ ए करस्पॉन्डिंग टू द यान वैल्यू लैम्डा। ये नोट करने वाली बात, देयर कुड बी इनफाइनेटली मेनी यान वैक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू वन यान वैल्यूज। फॉर डिस्टिंक्ट यान वैल्यूज द यान वैक्टर्स आर लिनियरली डिपेंडेंट। सो कैन यान वैल्यूज बी जीरो? यस इट कैन बी, बट वी डोंट कंसिडर जीरो वैक्टर एज एन यान वैक्टर। सो ये जीरो यान वैल्यूज आपके किसी काम का नहीं होता। नाउ क्वेश्चन इज वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन, हाउ मेनी यान वैल्यूज डज ए 2x2 मैट्रिक्स कैन हैव? ओनली टू। 2x2 मैट्रिक्स कैन हैव टू यान वैल्यूज। अगर ये 3x3 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स रहता तो इसका 3 यान वैल्यूज होता। एन ऑर्डर वाले मैट्रिक्स में एन यान वैल्यूज रहेंगे। Define the yarn value lambda of a matrix A. The yarn value of any matrix A is a scalar quantity lambda such that the equation AV equals to lambda V should have a non-trivial solution. Mention two properties of yarn values. So mind it, yarn vectors with distinct yarn values are linearly independent. Similar matrices have zero यान वैल्यू। सम प्रॉपर्टी आपको याद रहना चाहिए, फॉर ए स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स ए में अगर आपने अल्फा से गुना किया तो उसके यान वैल्यू लैम्डा में भी आपको अल्फा से गुना करना होगा। मैट्रिक्स अपने आप में अगर गुना किया जा रहा है, ए गुने ए, ए स्क्वायर हुआ, ए गुने ए गुने ए क्यूब हुआ, तो इसके यान वैल्यूज का भी पावर उसी के अनुसार बढ़ते जाता है, लैम्डा लैम्डा स्क्वायर लैम्डा क्यूब। इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का यान वैल्यूज का भी वैल्यू इन्वर्स हो जाता है। मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करोगे तो उसके यान वैल्यूज में कोई चेंजेस नहीं आता। ये छोटी छोटी चीज़ें याद होनी चाहिए। थैंक यू।